हाँ भाई, क्या चल रहा है? देखिए आप। नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ ये सब चौपाल, समझ में तो मुझे आ रही है, लेकिन इसमें मुझे क्यों बुलाया है? एक सेकेंड, चॉकलेट खोल चॉकलेटें खोल रही हैं, तोहफे, गुब्बारे, इसमें क्या है भाई? ज्वेलरी है। ज्वेलरी है? हाँ, उसने दी है, किसी ने दिलाई। अच्छा, शर्मा रही है। शर्मा रही है, बहुत दिनों से मांग रही थी। वो क्या है उधर? छोटे टेडी बियर्स। अच्छा, फॉर समवन स्पेशल। फॉर समवन स्पेशल, तो क्या है ये, मिला है या देने वाले हो? ये देने वाले हैं। अच्छा, देने वाले हो। अच्छा, तो ये प्रदर्शनी यहाँ क्यों लगाई है? सवाल थी। हमें मिला पूरे दिन और देने के लिए खरीदा है, तो चलो आपको भी दिखाएं। अच्छा। उसमें घड़ी है वैसे। इसमें घड़ी है? हाँ, मुझे मिली है। मिल गई है? तो महंगी है बहुत। तो हम सब बैठे ही थे, पता चला आप भी यहीं पे हैं आसपास, तो आपको बुला लिया। ये सब मिला ही है, त्योहार है आज प्रेमियों का, वैलेंटाइंस डे है, हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सोचा आपसे भी राय मशवरा कर लें, आपको भी कुछ गिफ्ट दे दें। जैसे आपको क्या पसंद है? भाई मुझे तो प्रेम पसंद है। हमें भी पसंद है। पर तो इसमें प्रेम कहाँ पर है? इसके अंदर होगा शायद, खोलने जा रहा, प्रेम निकालना भाई। इसमें ज्वेलरी है। अरे उसमें ज्वेलरी है। ओहो, और इसमें क्या है? तो गुब्बारा है, फूट जाएगा। हवा है? हवा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई साहब, ये इसके भीतर होगा शायद प्रेम, पता नहीं। उसके पीछे है गिफ्ट देने के पीछे प्रेम। गिफ्ट देने के पीछे प्रेम, ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, वो एक फीलिंग है, तो वो जिस भाव से हमने दिया है उनको। अच्छा, या जिस भाव से उन्होंने हमें दिया है, वो लव है। वो ऐसे बताते नहीं है मतलब, पर वो होता है। अच्छा, तो इसके पीछे जो भावना है उसका नाम प्रेम है। इसके पीछे तो कुर्सी है, लेकिन जिसने दिया वो जिस फीलिंग से दे रहा है वो लव हुई ना, क्योंकि वो लव, आई लव यू भी बोलता है, तो वो लव आउट ऑफ लव दे रहा है वो, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इतना तो ज्ञान लेकर के तुम लोग आए ही हो, अब इसमें मेरी क्या जरूरत है? पर ये आजकल बहुत क्रिटिसिज्म चल रहा है वैलेंटाइंस डे का, इतने मीम्स बन रहे हैं। कौन सा डे बोला? वैलेंटाइंस। कौन सा डे? वैलेंटाइंस। ये कौन है महोदय? उससे मतलब नहीं है, मतलब जो मनाया जाता है उससे नहीं। उससे मतलब क्यों नहीं है भाई? वो तो ऐसे, तो तुम ऐसे बोलो दिवाली का राम से मतलब नहीं है, पटाखों से भी तो है। पटाखे तो फिर ठीक है, लेकिन पटाखों से तुम्हें संतुष्टि मिलती होती तो मुझे थोड़ी बुलाते। मैं कौन सा तुम्हारा वैलेंटाइन हूँ? अगर जो कर रहे थे वही ठीक होता तो इतने सारे तोहफे बांधे घूम तो रहे हो, इसी में मज़े लेते रहते। अब साफ बताओ, दोनों तरफ की नहीं चलेगी कि बात समझ में भी नहीं आ रही है, दुविधा में भी हो, और मेरे सामने ऐसे बता रहे हो जैसे कि बड़े होशियार हो। तो आपने नहीं मनाया कभी वैलेंटाइंस डे? मैंने तो मनाया, और ज़बरदस्त तरीके से मनाया। आज भी मनाएंगे? क्या मनाऊंगा? कौन है ये भाई? वैलेंटाइंस डे माने श्रीमन वैलेंटाइन का दिवस, ठीक? तो ये कौन है? एक सेंट है, मैंने सुना। एक सेंट है? अच्छा, तो कौन है श्रीमन संत? कुछ कहानियाँ हैं उनके पीछे। नेवर बॉदर टू फाइंड आउट। नेवर बॉदर टू फाइंड आउट, ओह, टू इनसिग्निफिकेंट टू बी नोन। कौन है भैया वैलेंटाइन महोदय, कौन है? या नहीं पता करना, यही सब काफी है? थोड़ी कमी लग रही थी इसलिए। हाँ, ये लड़की ईमानदार है। क्या कमी लग रही है? कि गिफ्ट्स तो दे दिए और मिल भी गए, और आसपास भी लोग बहुत खुश दिख रहे हैं, पर ऐसा लगता है पूरा पूरा नहीं है, कुछ कम है। कुछ कम है। इन्हीं से शुरू करें, संत वैलेंटाइन से। क्या जानते हो इनके बारे में?
कुछ जानते हो इनके बारे में? शायद वो रोम के थे, रोम में थे, and he used to do good things for people. He was a kind man. तो उनके नाम पर प्रेम दिवस क्यों मना रहे हैं? Because he used to be kind to everybody. वो हर किसी से अच्छे से व्यवहार करते थे. तो उससे Valentine's Day शुरू हुआ. फिर धीरे-धीरे करके वो सिर्फ romantic love की तरफ चला गया. अच्छा. और क्या पता है किसको? मैंने एक कहानी सुनी थी कि वो एम्परर था वहाँ पे, उन्होंने शादियों के लिए मना कर दिया था कि शादियाँ नहीं होंगी क्योंकि जो सोल्जर्स हैं वो बेहतर लड़ते हैं अगर उनकी शादी ना हो, तो उन्होंने शादियों पे बैन कर दिया. तो फिर पर इन्होंने तब भी उस सेरेमनी को मेंटेन रखा. मैं करवाऊंगा, कोई चिंता नहीं है, तो मेरे पास आओ, कपल्स बुलाते थे. तो इससे थोड़ा सा कि वो टुवर्ड्स लव, मतलब वो प्रेम को तब भी मानते हैं. मुझे पता नहीं है, पढ़ा नहीं, पर काइंड आदमी है, शादी करवाना चाहते हैं. विवाह के पक्ष में नहीं थे. ऐसा नहीं था कि उनको कोई विशेष अनुराग था कि चलो भाई शादियां ही होनी चाहिए लोगों की. बहुत स्पष्ट नहीं है ऐतिहासिक दृष्टि से कि क्या हुआ था. तीसरी शताब्दी की बात है ये, आज से 1800 साल पहले की. एक नहीं, तीन संत हुए हैं वैलेंटाइन नाम से, और तीनों की कहानियां आपस में अब मिश्रित हो चुकी हैं. वर्ष के कैलेंडर में वैलेंटाइंस डे भी तीन होते हैं, एक नहीं. एक है जो ज़्यादा प्रचलित हो गया है, तीन होते हैं. लेकिन हमें जितना कुछ उनके बारे में पता है वो ये है कि राजा युद्ध का उन्मादी था. उसको लड़ाइयाँ करवानी थी, हिंसा चाहिए थी, रक्तपात चाहिए था, ताकि उसका अपना साम्राज्य बड़ा हो सके. तो सब जवान लोगों को पकड़ पकड़ के भेजा करता था लड़ाई में, ताकि वो लड़ सकें. और लड़ इसलिए नहीं सकें कि कोई बहुत पवित्र या सार्थक उद्देश्य है युद्ध का. लड़ इसलिए सकें ताकि राजा की जो धन पिपासा है, राजा की जो पद पिपासा है, राजा की जो पूरा लालच है कि मैं और बड़ा बादशाह कहलाऊँ, वो पूरा हो सके. तो उसने कर रखा था कि नहीं भाई, शादी वादी नहीं करना, तो लड़ो जाके. प्रेम के समर्थक थे संत वैलेंटाइन. और ये जो राजा था, ये ईसाइयत को मानने वाला नहीं था, इनको पगान कहते हैं. तो उन्होंने धीरे धीरे चुपके चुपके जोड़ों के विवाह कराने शुरू कर दिए, और जो विवाह कर लें वो फिर लड़ाई वगैरह पे बहुत ध्यान न दें. विवाह से अर्थ नहीं, प्रेम से अर्थ. तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें गिरफ्तार करके डाल दिया गया कारागार में. वहाँ पर कहते हैं कि जो जेलर था, या कि शायद जो न्यायाधीश था जो इनका मुकदमा सुनने वाला था, उसकी एक बेटी थी, और बेटी अंधी थी. तो संत साहब को उस बेटी से प्रेम हुआ. जबकि वो किसकी बेटी है? वो उस व्यक्ति की बेटी है जो उन्हें जेल में रखे हुए है. उस प्रेम के चलते कहानी बताती है कि उन्होंने उस बेटी की आंखें ठीक कर दी, उसको देखने की ताकत दे दी. अब ये सब गुब्बारे और ये टेडी लेके घूम रहे हो, तो मैं थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ ताकि समझ भी जाओ. विस्तार से पूरा दिन तो तुम लोगों ने इसमें लगा ही दिया है, तो ये कहानी भी थोड़ी सी विस्तार में पता होनी चाहिए. तो उस बेटी की आँखें ठीक कर दी,
और बेटी की आंख ठीक करी और बेटी को पत्र लिखा अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए। और उस पत्र में नीचे उन्होंने लिखा योर वैलेंटाइन, तुम्हारा वैलेंटाइन, अपना नाम लिखा योर वैलेंटाइन। तो वहाँ से अपने प्रेमी को अपना वैलेंटाइन कहने की प्रथा शुरू हुई कि जो प्रेमी है उसको बोल दिया यू आर माय वैलेंटाइन, तुम मेरे वैलेंटाइन हो। और ये उन्होंने पत्र लिखा और इसके थोड़ी देर बाद उनका सर काट दिया गया। उन्हें पता था, उनको मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। लेकिन आगे कहानी कहती है कि उस लड़की की, उस महिला की जो उन्होंने आँखें ठीक कर दी, उसको जो दृष्टि दे दी, उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ वो लड़की बल्कि उसके पिता समेत उसके घर के 40-50 लोग सब ईसाई हो गए। वो पहले जीसस को नहीं मानते थे, एक तरह से कह लो तो पहले वो विधर्मी थे। फिर उन्होंने जो रोशनी का रास्ता था वो पकड़ लिया। तो ये है हमारे नायक वैलेंटाइन की कहानी। अब इस कहानी से समझ क्या आता है, ये सब क्या चल रहा है इस कहानी में, जो मूल बात है वो क्या देख पा रहे हो? मिरेकल नहीं हुआ है, ये बात सांकेतिक है। दोनों तीनों ही चीज़ें सांकेतिक हैं, लड़की की आँखों का ठीक हो जाना, उसके पूरे कुनबे का धार्मिक हो जाना, और संत साहब का सर कलम कर दिया जाना, उनका सर काट दिया जाना, ये तीनों ही बातें सांकेतिक हैं, सिंबॉलिक हैं। वो नहीं देख पा रही थी लड़की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको दुनिया समझ में नहीं आ रही थी, हम कौन हैं, संसार क्या है, दुनिया क्या, उसको समझ में नहीं आता था। और ये तो धार्मिक आदमी हैं, संत हैं, तो इनके स्पर्श ने, इनकी संगति ने उस लड़की को दुनिया को देखने की दृष्टि दे दी। ये आशय है ये कहने का कि उन्होंने जादू से उसकी आंखें ठीक कर दी। ये जितने भी जादू वगैरह बताए जाते हैं ना पुरानी कहानियों में, तो ये मत मान लेना कि वास्तव में कोई भौतिक घटना घटी थी, कि कोई पानी पर चलने लग गया था या कोई हवा में उड़ने लग गया था, ये सब नहीं हुआ था। ये सब बातें थोड़ी नाजुक होती हैं, थोड़ी सूक्ष्म होती हैं, तो उनको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। तो लड़की को उन्होंने प्रेम किया तो लड़की को दुनिया को देखने की नज़र दे दी, नज़र दे दी। अब वो देख पा रही है, पहले वही जेलर के घर की बेटी थी और जेलर भी आतताई, वो भी राजा का ही दुमछल्ला, राजा जिसको बोलता था ले भाई इसको जेल में डाल दे, फिर जिसको बोलता था मार दे, वही सब काम जेलर कर रहा है। तो उसके घर में जो लड़की पली बढ़ी है वो कैसी रही होगी? वो भी ऐसे ही पगली मूर्ख। पर ऐसी लड़की को भी संत वैलेंटाइन ने अपनी संगति से, अपने स्पर्श से दृष्टि दे दी। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, उन्होंने उसको दृष्टि दे दी, ये उनका प्रेम था, और अपने प्रति उन्होंने क्या किया, उसको दृष्टि देने के लिए उनका अगर अपना गला कट रहा तो उन्होंने कटने दिया। गला कटना भी ऐसा नहीं है कि तुम यही मानो कि वास्तव में सर धड़ से जुदा हो जाए तो ही गला कटा। सर जो है वो अहंकार का सूचक होता है, सर अकड़ा हुआ सर अहंकार का प्रतीक होता है। तो सर का कट जाना माने अपने लिए, अपने ही हित के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए मुझे करना है, जीना है, इस भावना का कट जाना। बात समझ में आ रही है? तो प्रेम क्या होता है ये वो बता गए। प्रेम का मतलब है कि जिसके साथ हो उसकी आंखें खोल दो, और जिसके साथ हो उसकी आंखें खोलने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दो। और आंखें खोलने का क्या मतलब है? उसको धर्म की तरफ भेज दो जैसा उन्होंने स्वयं किया। तो प्रेम का जो वास्तविक अर्थ है वो फिर आध्यात्मिक है। तुम जिसके साथ हो उसको तुम अध्यात्म की दिशा भेज दो, वो खुद को जानने लगे, मन को समझने लगे, यही प्रेम है।
लेकिन ये करना आसान नहीं होता, ये करने की कीमत चुकानी पड़ती है। ये करने के लिए तुम्हें अपना सर्वस्व भी नछावर करना पड़े तो कर दो, ये प्रेम है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये दिवस महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे भी वैलेंटाइंस डे पसंद है। दो कारण है वैसे वैलेंटाइंस डे को मैं क्यों पसंद करता हूँ। एक तो तुमने सुनी लिया, दूसरा अगर किसी को याद रहे तो अंत में पूछ लेना, दूसरा भी बता दूंगा। पर जो मुख्य कारण समझ गए ना, प्रेम क्या है, इसकी उन्होंने वास्तविक और जीवंत परिभाषा हमारे सामने रखी। कोई लड़की आ जाए जिंदगी में तो ये नहीं करना है कि उसको भोग डाला या उसको अनुमति दे दी कि वो तुमको भोग डाले। उसको आंखें दे दो, ये प्रेम है। आसान नहीं होगा, उसको आंख देने के लिए तुम्हें जान देनी पड़ सकती है, दे देना। लड़की भी कहाँ चाहती है कि उसे आंख मिले, उसे 10 और चीज़ें चाहिए, आंखें थोड़ी चाहिए, ये सब चाहिए भाई। बात समझ में आ रही है? तो वो आंख लेगी लेकिन तुम्हारी जान लेके, कोई बात नहीं। आ रही बात समझ में? ईसाइयत यूं ही आगे नहीं बढ़ी, और बहुत कारण रहे होंगे, तलवार भी एक कारण है जिससे बढ़ी है ईसाइयत आगे, लेकिन संतों के बलिदान का भी उसमें महत्व रहा है। कहिए जी। जैसे वैलेंटाइंस वीक होता है एक पूरा, उसमें हम अलग अलग डेज मनाते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग तरह की चीज गिफ्ट देना, लाइक टैडी डे है तो टैडी दे दिया, चॉकलेट डे है तो चॉकलेट दे दी, वैलेंटाइंस डे पे फाइनली उसको प्रपोज किया जाता है। तो इन सारे डेज का महत्व आखिर है क्या, कि इतने सारे डेज क्यों डिफाइन हुए? एक दिन में कितना भोग सकते हो, एक दिन में कितना भोग सकते हो? पहले तो भोगने के लिए एक दिन भी नहीं था। संत महाराज थे हमारे 3rd शताब्दी के, और जैसा कह रही थी ना रोमांटिक लव, रोमांटिक लव से तो इस दिन का संबंध ही बना है 1100 साल बाद जाके 14वीं शताब्दी में, और इसका इस तरीके से व्यापक तौर पर करीब करीब त्योहार के तौर पर प्रतिष्ठित होना तो अभी 200 साल पहले की बात है। इसका बाजारवाद से बहुत सीधा ताल्लुक है, इसका आदमी के भीतर और ज़्यादा घने हुए भोगवाद से बहुत ताल्लुक है। अब भोगना है तो एक ही दिन तो नाकाफ़ी पड़ता है ना, एक दिन में कितना कर लोगे? खरीदने भी जाओगे तो एक दिन में कितना खरीद लोगे? ठीक है, तो उसको पूरा हफ्ता ही बना दिया। हफ्ता ही है और ज़्यादा है, हफ्ता 10 दिन जो भी है पूरा बना दिया कि अब इस दिन ये करो, अब ये ले, अब वो दे, अब ये ले, अब वो दे। मैं लेकिन उसमें जोड़ना चाहूँगा, उसके पहले के हफ्ते का तो विवरण खूब चलता है, रोज ले रोज दे, ठीक है, चॉकलेट ले चॉकलेट दे, और क्या, तोहफे ले तोहफे दे, टेडी ले टेडी दे, हग ले हग दे। तो इतना हग लेने और हग देने के बाद जो दुर्गंध उठती है उसकी भी तो बात होनी चाहिए ना, वो 14 तारीख के बाद है। तो 14 तारीख के बाद के दिनों के कोई नाम क्यों नहीं रखेगा, कभी सोचा ही नहीं तुमने? 14 तारीख के बाद भी तो पूरा हफ्ता चलता है ना, उसमें भी तो दिनों के नाम होने चाहिए ना, चमाट दे, भाग ले, घूसा दे, गाली दे, ब्रेकअप दे, ये सब भी है। तो ये सब तो देखो बाजारवाद है और कुछ नहीं है, कि दिन को हफ्ता बना दो, बस चले तो हफ्ते को महीना बना दो, और जो चाहते हैं कि तुम इस तरह की चीज़ें ही खरीदते फिरो वो तो ये चाहेंगे कि तुम साल के 365 दिन किसी न किसी नशे में रहो,
और उस नशे में तुम अपना पैसा, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा, अपनी जवानी बहाए जाओ। मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रहा हूँ कि तुम लोगों का मूड वगैरह ख़राब हो, या ये सब जो तोहफे मिले हैं तुम इनका अपने मन अनुसार उपयोग ना कर पाओ। लेकिन अब भाई तुम ही लोगों ने आफत मोल ली है मुझे बुला करके, नहीं तो आमतौर पर इस तरह की जगहों पर तो मैं पाया जाता नहीं। तो पूछो जो पूछना हो। सो मे बी आई एम सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे, यू लुकिंग फॉर द रोमांटिक एलिमेंट व्हिच इज नॉट, मे बी नॉट देयर इन द स्पिरिचुअल काइंड ऑफ लव। रोमांस क्या होता है? रोमांस माने क्या? जिसको आप बोलते हो रोमांटिक लिटरेचर, ये सब रोमांस की परिभाषा क्या होती है? एकेडमिकली भी रोमांस माने क्या होता है? क्या होता है भाई? इट इज लुकिंग बियॉन्ड वनसेल्फ। हाँ, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। रोमांस इज द बिलीफ that the highest can be had through experience. ये रोमांस की शास्त्रीय परिभाषा है कि जीवन में ऊंचे से ऊंचा जो सच है वो सुख है, इसको रोमांस कहते हैं। सुख का अनुभव ही आखिरी बात है, इसको रोमांस कहते हैं। तो रोमांस का मतलब होता है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा, बढ़िया से बढ़िया सुख के मौके देना। जो भी चीज़ें तुम्हें सुख देती हों उनका अनुभव लेना, ये कहलाता है रोमांटिसिज्म, रोमांस। तो जिसको तुम कहते हो रोमांटिक लव, वो और कुछ नहीं है, वो यही है कि दूसरे का उपभोग करो, दूसरे का अनुभव लो। क्योंकि अनुभव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे का इस्तेमाल ही तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए रोमांस में फिर ये सब बातें भी शामिल हो जाती हैं कि पहाड़ों पर गए, पहाड़ों का क्या ले रहे हैं? अनुभव ले रहे हैं। मस्त हवा चल रही है, झीने झीने कपड़े पहन रखे हैं, ये सब क्या है? ये अनुभव से संबंधित बातें हैं। और सब अनुभव किसको होते हैं? इंद्रियों को होते हैं। इसीलिए रोमांस माने इंद्रियगत सुख, सेंसुअल प्लेजर। जहाँ सेंसुअल प्लेजर आएगा वहाँ आपको क्या मिला? इंद्रियाँ तृप्त हो जाएंगी, अच्छी बात है, शरीर को कुछ मज़ा आ गया, ये सब हो गया। आपकी जो दैहिक वृत्तियाँ हैं, जो आपकी सदा से चली आ रही वासनाएँ हैं, आपने उनको चारा डाल दिया, उनकी मौज आ गई, आपको क्या मिला? आपकी तो जो बेचैनी है, उदासी हो, तो वैसी की वैसी ही है। ये बातचीत शुरू हुई तो ये बोली कि कुछ अधूरा है, कुछ पूरा नहीं पड़ रहा, ये सब हो गया, अच्छे कपड़े पहन लिए, घूम घाम आए, तोहफे दे लिए और मज़े कर लिए, लेकिन कुछ पूरा नहीं पड़ रहा। ये रोमांस का ही नतीजा है कि बात कभी पूरी नहीं पड़ती, एक खलिश रह जाती है, एक अधूरापन, एक कसक रह जाती है। जिनके नाम पर ये पर्व है उन्होंने कैसे सेलिब्रेट करा था? जीवन में रोशनी ला। जिस पर दावा हो कि उससे प्यार है उसको आंखें दे दो, यही है वैलेंटाइंस डे। जिससे प्यार का दावा करते हो उसको आंखें दे दो, यही वैलेंटाइंस डे है। अजारे जी, वो लड़की जिसके पास आंखें नहीं थी, वो जेलर के यहाँ पलती बढ़ती थी, तो उसको जो आंखें मिली होंगी उसका परिपेक्ष अलग होगा। आज जो आंख दी जाएगी और भविष्य में जो आंख दी जाएगी प्रेमी द्वारा, वो संदर्भ के हिसाब से अलग अलग होगी। रोमांसवाद का जन्म 18वीं शताब्दी के अंत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बैकड्रॉप में हुआ था। तब आदमी की चेतना को आगे रखना, भावनाओं को आगे रखना, इंडिविजुअलिज्म को सेंटर में लाना, अनुभव ऐसा जो सुख दे, जो किसी फैक्ट्री पे या किसी मालिक पे डिपेंडेंट ना हो। आप गए, आप नदी के किनारे बैठे, आपने फूल को देखा
और आप खुद ही इंडिविजुअली आप प्लेजर एक्सपीरियंस कर सकें, वो उसका एक भाव रहा। मैं ये नहीं समझ पा रहा जब आप कह रहे हैं कि इंद्रियगत ही तो है, तो उसमें गलत क्या है? मैं कह रहा हूँ वो सीमित भी कहाँ है। सीमित अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आज के समय में तुम्हें अगर उससे पूरी तृप्ति संतुष्टि मिल जा रही है तो बहुत खूब। उस लड़की को आंख देने की प्रक्रिया में भी तो रोमांस इन्वॉल्व होगा ना? अगर रोमांस इन्वॉल्व होता तो वो उसको भोगने के लिए जिंदा रहते या सर कटा लेते? रोमांस का तो मतलब ही है ना सुख का अनुभव, चाहे जिस भी तरीके से कहना चाहते हो। अनुभव पाने के लिए जिंदा तो रहना चाहिए। यहां तो इन्हें दिख रहा है कि अनुभव छोड़ो, अनुभोक्ता की जिंदगी से भी आगे कुछ है। तो संत वैलेंटाइन जो भी कुछ थे रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कीट्स की एक कविता है जिसमें वो एक पंछी को बहुत समय से देख रहे हैं, फिर वो अंत में उड़ जाता है। जो पंछी को जब देख रहे थे उस प्रक्रिया में, वो कहते हैं कि वो जो टाइमलेस है उसको छूकर आ पाए, उन्होंने टाइम की सीमा को अनुभव किया, पर अंत में जब पंछी उड़ गया तो बड़ा दुख हुआ। सब पंछी उड़ेंगे और अंत में सर कट के ही प्रेम आप दे पाएंगे, पर उस प्रक्रिया का तो अपना महत्व है ना, जहाँ पे आप उस पंछी को भोग रहे हैं, देख रहे हैं। क्या महत्व है? वो उड़ गया अब, पर जितने समय में वो रहा उसने ये एहसास दिलाया कि पंछी ज्यादा देर रहता है या ज्यादा देर उड़ा हुआ रहता है? कौन सा ऐसा पंछी है जो बैठा रहेगा कि तुम उसका इंद्रियगत सुख पान करते रहो? और इतना और बता दो कि पंछी मान लो नहीं उड़ता तो भी क्या इस कविता के पात्र को उससे सतत सुख मिलता रहता? पंछी का सुख तो निहित ही इस बात में है कि अभी है अभी नहीं रहेगा। जिस समाज में आचार्य जी हम हैं अभी 2020 में, 14 फरवरी है आज, सतत सुख या वैसा प्रेम जो संत वैलेंटाइन ने दिया उस अंधी लड़की को, तो एकमात्र आदर्शी मालूम होता है। कम से कम इन त्योहारों के माध्यम से ऐसे सूखे समाज में जहाँ पर सब अवसाद की ओर जा रहे हैं, युवक युवतियाँ एक दूसरे से मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, कुछ गिफ्ट इत्यादि देते हैं, थोड़ा कल्चरल इंटरेक्शन होता है इसमें नैतिक। मार्च के महीने में मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल में सबसे ज़्यादा गर्भपात होते हैं, अवसाद बढ़ेगा या घटेगा? वैलेंटाइंस डे के महीने के बाद गर्भपातों में अचानक वृद्धि हो जाती है मार्च में। तुम कह रहे हो कि वैलेंटाइंस डे से लोगों को तात्कालिक सुख मिलता है और अवसाद कम होता है। जिस लड़की का अबॉर्शन हो रहा है वो अवसाद से बाहर आ रही है या उसमें और डूब रही है? ये जो पूरी भावना है ना कि जिंदगी तो हारा हुआ खेल है, उसमें पल दो पल का ही जो सुख मिलता हो लूट लो, ये भावना ही जिंदगी को हारा हुआ खेल बनाती है। जिसने इस भावना को स्वीकार करके इसी को सत्य मान लिया कि जिंदगी तो है ही बर्बाद, अब इसमें भागते भूत की लंगोटी भली, चलो आज शाम को ऐश करने का मौका मिल रहा है कर लो, क्योंकि कल तो वैसे भी काला ही है। कल क्या है? काला। तो आज रात को रंगीन कर लेते हैं। अब कल काला हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी इस भावना ने कल को निस्संदेह काला बना दिया। ये सिनिसिज्म, ये नैराश्यवाद अध्यात्म में बिल्कुल नहीं होता। वहां मुक्त स्वभाव है, वहां आनंद स्वभाव है, वहाँ इस भावना का कोई स्थान नहीं है कि दो चार दिन का मेला है दुनिया, खेल ले जो खेला खेल सकता है, ये नहीं है। अध्यात्म का मतलब है जीवन
अगर न समझो तो सजा है, और अगर समझ लो तो आनंद का अवसर। तो जो लोग कह रहे हैं कि जीवन सजा मात्र है, उन्होंने तो पहले ही ये मान लिया है कि वो समझ ही नहीं सकते जीवन को। ये मानना भी गलत है, क्योंकि अध्यात्म जानता है, समझता है और समझाता है कि बोध तो तुम्हारा स्वभाव है। बोध तुम्हारा स्वभाव है, तुमने कैसे कह दिया कि जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता? तो ये कह करके कि जीवन जाना नहीं जा सकता या जीवन तो काली माँ कालिक ही है, तुम खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। सर जी, प्रकृति ने कुछ ऐसा विधान रचा है कि एक आयु के बाद पुरुष या तो स्त्री को, या पुरुष पुरुष के प्रति ही, या स्त्री स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं। बहुत जगह ऐसा भी कहा गया है और उदाहरण भी रहे हैं इतिहास में कि जो इश्क मिजाजी है, जो मिजाज का इश्क है, वो हक इश्क के हकीकी तक भी ले जाता है। तो जो प्रकृति ही हमें इस तरफ प्रेरित कर रही है कि आप एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं, तो क्यों ना जो बिल्ड अप है वो यहीं बिल्कुल बनाओ। संत थे वैलेंटाइन, हाँ, लेकिन एक औरत से ही तो प्रेम करते थे, ठीक। तो औरत से प्रेम करने में पाबंदी कहाँ है? पर जिस तरह का प्रेम धर्म सिखाता है वो तो इतना एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जिंदगी दे दी तुमने किसी को, इसमें एब्स्ट्रैक्शन क्या है? तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करो, ये तुम्हें एब्स्ट्रैक्शन नहीं लगता? लेकिन तुमने किसी की आंखें खोल दी, उसको जिंदगी दे दी, इस बात को तुरंत कह देते हो कि अरे ये बात तो थोथी है, काल्पनिक है, ये तो आदर्शवाद है। तो इसको फिर प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई, प्रैक्टिकली बर्बाद कैसे कर लेते हो किसी को? जब मैं कहता हूँ किसी को आबाद करना प्रेम है, तो कहते हो नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने बहुत दूर की बात कर दी, ये तो अव्यवहारिक है। बर्बादी तुमको बड़ी व्यवहारिक लगती है, वो पल पल कर लेते हो, वो बिना मेरे सिखाए कर लेते हो। ज़रूर ये बात ना समझी कि नहीं, बेईमानी की है ना। आपने तो आचार्य जी ग्लानी में डाल दिया, तो ये सब बर्बादी का कार्य? नहीं नहीं, इसका तो पूरा भोग होना चाहिए अच्छे से, दिक्कत क्या है? सूंघ लिया। तुम्हें क्या लगा ये पहला था? तो हर उस चीज़ में जिसमें मज़ा आ जाए वो नहीं करनी है बेसिकली। भाई मज़ा तो उस लड़की ने पूरा लिया होगा ना जीवन का, क्योंकि उसे वैलेंटाइन जैसा प्रेमी मिला। धर्म तो मज़ा लेना सिखाता है, हम जिंदगी को सजा बनाए बैठे हैं, और चूंकि हम असली मज़े से बहुत दूर हैं तो हम एक बेईमानी और करते हैं, अपनी सजा को ही नाम दे देते हैं मज़े का। ये तो दोहरी बेईमानी हो गई ना, वो भी अपने ही साथ, इसमें क्या मज़ा है? इतना मुश्किल क्यों है कि अगर तुम किसी से संबंध बनाओ तो उस संबंध में कीचड़ में लोटने की जगह आकाश सी पवित्रता हो, गंगा भी कभी नहा आओ? कभी एक बार ही कर लो भाई तुम, क्योंकि ये तो अपवाद ही दिखता है कि दो युवा एक साथ हुए और आंख दे दी, छोरी आदान प्रदान कार्यक्रम दिखता है। वो तुम्हारी नीयत पर है, तुम क्या करना चाहते हो। ऊंचाइयां जितनी होती हैं उन पर सब पर लोग कम ही पाए जाते हैं, और जितनी दुनिया की ऊंचाइयां हैं उनको पाने के लिए तो बड़े लालायित रहते हो। तब तो नहीं कहते कि करोड़पति तो कम ही लोग होते हैं तो मैं क्यों हो जाऊं, तब तो तुम भी लक्ष्य बनाते हो मुझे भी होना है। किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश सबको नहीं मिलता, हजारों में किसी एक को मिलता है। तब तो नहीं कहते कि जो काम 999 कर रहे हैं वही मैं भी करूँगा। 999 क्या कर रहे हैं? वो विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में असफल हो रहे हैं। तब तो नहीं कहते कि जैसा सब असफल हो रहे हैं मैं भी होऊंगा। तब तो कहते हो नहीं, इसमें तो मुझे सबसे अलग होके दिखाना है। इन सब चीज़ों में अलग होने को सहर्ष तैयार हो, लेकिन जब बात आती है कि ज़िंदगी में जो लोग अपने जोड़ीदार का शोषण कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं,
तुम उनसे अलग हो जाओ, उन 999 लोगों से अलग हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता ज़रा दूसरे तरह का हो, तो वहाँ कह देते हो नहीं 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 मुझे तो भीड़ जैसा ही रहना है। अब ये बात नाकाबिलियत की नहीं है, ये तो कुछ और है। According to you, what is an ideal relationship? What is love? To selflessly do something for the other person. It's a choice. चुनना है ना, संबंध तो है ही, एक रिश्ता तो है ही, उस रिश्ते को कैसा रखना है ये हमारा चुनाव है या नहीं है। तो जो आप ऊंचे से ऊंचा चुनाव कर सकते हो किसी रिश्ते में, उसका नाम प्रेम है। रिश्ता ऐसा भी हो सकता है कि तेरा सर फोड़ दूंगी तू मेरा सर फोड़ दे, हो सकता है, चुनाव की बात है। रिश्ता ऐसा भी हो सकता है कि तू अपने काम से काम रख मैं अपने काम से, वो भी चुनाव हो सकता है। रिश्ता हम जैसा बनाना चाहें वैसा हो सकता है ना, तो जो सबसे सुंदर रिश्ता हो सकता है उसको प्रेम कहते हैं। इसमें सौंदर्य नहीं है? नहीं है बिल्कुल, इसमें सौंदर्य ना होता तो दुनिया इसके पीछे क्यों भागती। दो तरह के सौंदर्य होते हैं, एक वो जो दरवाजे खोलता है अपने से आगे किसी और बड़े सौंदर्य के, और एक वो जिसमें जब तुम प्रवेश करते हो तो वो तुम्हें अपनी कैद में ले लेता है, गिरफ्तार करके तुम्हें आगे कहीं बढ़ने से पूरी तरह रोक देता है। सौंदर्य दोनों में है, एक सौंदर्य है जो सीढ़ी की तरह होता है, वो कहता है मुझ में प्रवेश करो, मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपने से आगे और ऊंचा कहीं भेजूंगा, मैं सीढ़ी हूं, मैं वाहन हूं, मुझमें अगर आओगे तो मैं तुम्हें और आगे पहुंचा दूंगा। एक ये होता है सौंदर्य, और एक सौंदर्य होता है आओ मैं काल कोठरी हूं, मुझमें घुस जाओ फिर मैं तुम्हें कहीं घुसने नहीं दूंगा। एक गाड़ी में घुसने में और एक काल कोठरी में घुसने में क्या अंतर है? गाड़ी में घुसते हो तो गाड़ी तुम्हें कहीं और पहुंचा देती है और फिर पहुंचा के दरवाजा खोल भी देती है, उतरो। और जेल में घुसते हो तो, घुसते तो दोनों में ही हो, जेल में घुसते हो तो क्या होता है? बस फंस गए अब। तो ये दो तरह के सौंदर्य होते हैं। अगर जिंदगी प्यारी है तो दोनों तरह के सौंदर्यों में अंतर करना सीखना। ने एक दूसरा रीजन बताया था कि आपको वैलेंटाइंस डे बहुत पसंद है। वैलेंटाइंस डे नहीं होगा तो तुम लोग मुझे इस तरह बुलाओगे नहीं, तुम लोग मुझे इस तरह बुलाओगे नहीं तो कहीं मैं आराम ना करता रह जाऊं। जब यहाँ बुला लेते हो और पता चलता है कि भाई तुम लोग इतने पहुँचे हुए ख्यालात रखते हो, तभी तो फिर मुझे प्रेरणा मिलती है ना कि बेटा अभी काम बहुत बाकी है, लगे रहो। साल के बाकी दिनों में तो तुम्हारी करतूतें छुपी रहती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। जब ये वैलेंटाइंस डे वगैरह आता है हाँ, तब गीदड़ अपनी गुफा से बाहर निकलता है तो पता चलता है कि अच्छा अंदर का हाल ऐसा है। आचार्य जी मतलब सच बोल रहा हूँ, एकदम जी खट्टा हो गया। पर एक बात बताइए कम से कम, मुझे ये घड़ी मुझे मिली है, ठीक है आपने जो बोला कि आँख दे दो, पर कोई कुछ देता है, कोई तुम्हें रिकॉग्नाइज करता है, जो कोई तुम्हें स्पर्श करता है, भाई अच्छा तो लगता ही है। तो अकेले अकेले पड़े रहो, काम करो, अकेले में सो जाओ, ये दूसरा आता है जब तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि हाँ भाई तुम महत्वपूर्ण हो, तो भाई सबको ही अच्छा लगता है। हाँ भाई सबको अच्छा लगता है। घड़ी मिली है ना? घड़ी मिली है। अब ये बताइए ये मतलब गाड़ी है या काल कोठरी है? क्योंकि तुम पे निर्भर करता है, तुम जब उसे कलाई में बांध रहे हो तो तुम्हारी कलाई पर हथकड़ी की तरह है या वो तुम्हें बता रही है कि समय क्या है। दोनों बातें हो सकती हैं। या तो तुम उसका इस्तेमाल
सगाई की अंगूठी की तरह कर सकते हो कि उंगली में बंध गई, या तुम उसका इस्तेमाल सुमिरन करने के उपकरण की तरह कर सकते हो कि पल पल टिक 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 समय बीत रहा है। समय तो 150 रुपए वाली घड़ी भी बता देगी, 20,000 की है तो मुझे पता है कि गड़बड़ है, लेकिन नहीं तो 20,000 की है तो क्या होगा उसको, तुम अब उबाल के विटामिन प्रोटीन तो पाओगे नहीं, 20,000 की हो 150 की हो बताएगी तो समय ही ना, समय का सदुपयोग कर लो, यही उस घड़ी की सार्थकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर सेंट वैलेंटाइन जैसा वैलेंटाइन नहीं मनाएंगे तो प्रेम नहीं मिलेगा, कोई गारंटी है इसकी? तुम अपनी नज़र में जो ऊंचे से ऊंचा मना सकते हो वैसा मनाओ, नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी नज़र में तो गिरे हुए मत रहो ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें अपनी नीयतें पता नहीं होती, ऐसा तो नहीं है कि जब हम किसी की ओर बढ़ रहे होते हैं, उससे रिश्ता बनाने, उसे छूने, तो अपने इरादों की हमें भनक नहीं होती, जानते तो हम सब हैं ना। तुम कम से कम अपनी नज़रों में जो ऊंचे से ऊंचा कर सकते हो वो करो, मत सुनो किसी संत वगैरह की। मैं माफ करिएगा पर उपभोग करने में गलत क्या है? तुम्हारा कोई उपभोग करे उसमें गलत क्या है? भोग तो ट्रेड होता है, आप मेरा उपभोग करिए, हम आपको कुछ देंगे, हम आपका करेंगे, कुछ दीजिए, सब दुनिया ही ऐसे चल। जो उपभोग कर रहा होता है वो ज्यादा यही चाह रहा होता है कि लूटूं और देऊं कम से कम। उपभोग की एक पहचान ये होती है कि उसमें आप मुनाफा कमाना चाहते हो, दूसरे से लूं ज्यादा और दूं कम। कोई तुम्हारा अगर कंजम्पशन कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है, करवा लो अपना भी। चलिए भाई, प्रेम दिवस की शुभकामनाएं। सांझ के बाद समय आपका है, आप अपना देखो, मैं अपना देखता हूं।